अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर ख्वाब में वॉशरूम की सहूलत मिले तो बराए मेहरबानी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक धोखा होता है। नर्स मरीज के सर से खून साफ करते हुए, आपका नाम? मरीज अब्दुल शकूर। नर्स, उम्र क्या है? मरीज 45 साल। नर्स, शादीशुदा? मरीज, नहीं नहीं, मोटरसाइकिल से गिरा। पांच मजेदार हकाइक जिनको आपको मानना पड़ेगा। फैक्ट नंबर एक, मान जाएं कि बचपन में आपको लगता था कि चांद हमेशा आपकी गाड़ी का पीछा करता है। फैक्ट नंबर दो, मान जाएं आप कभी ना कभी कपड़ों की अलमारी में छुपे हैं। फैक्ट नंबर तीन, मान जाएं कि आपने अपनी पसंदीदा खाने की चीज कभी ना कभी अपनी फैमिली से जरूर छुपाई है। फैक्ट नंबर चार, मान जाएं कि आप असेंबली में खड़े होकर दांतों से नाखून काटते थे। फैक्ट नंबर पांच, मान जाएं कि बचपन में फ्रिज खोलते वक्त और बंद करते वक्त आप ये देखते थे कि लाइट कहाँ जाकर बुझ जाती है। दूध वाले हड़ताल करें तो दूध सड़क पे फेंक देते हैं, टमाटर वाले हड़ताल करें तो टमाटर सड़क पे फेंक देते हैं। ना जाने ये बैंक वालों को कब अकल आएगी। अगर बीवी खुश हो तो शोहर भी खुश होता है, लेकिन अगर शोहर खुश हो तो बीवी सोचती है आखिर चक्कर क्या है। मैं घर जाते वक्त रास्ते में व्हाट्सएप देखता जा रहा था, पड़ोसी के मकान में कब घुस गया पता ही नहीं चला। और ताज्जुब की बात ये हुई कि इसके घर की औरत ने भी चाय ला के रख दी, क्योंकि वो भी टीवी के सीरियल देखने के चक्कर में थी। मजीद दिलचस्प बात यह है कि इसी वक्त इसके घर का आदमी भी अंदर आया और मुझे देखते ही सॉरी कहकर बाहर चला गया, क्योंकि वो शख्स भी फेसबुक चलाते हुए अंदर चला आ रहा था। आज टीचर ने साइंस लेबोरेटरी में एक सिक्का एसिड में डाला और पूछा, बताओ ये सिक्का एसिड में घुल जाएगा या नहीं? मैंने इंतहाई गौर फिक्र के बाद कहा, नहीं घुलेगा। सर ने वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर एसिड में सिक्का डलने से सिक्का घुल जाता तो आप हमसे मांगते, ना कि अपनी जेब से सिक्का निकाल कर डालते। इसके बाद पता नहीं क्यों मुझे लेबोरेटरी से बाहर निकाल दिया गया। टैलेंट की तो कदर ही नहीं रही। बीवी शोहर से, नहाकर निकले तो आपसे कुछ पूछना है आपके मोबाइल के बारे में। चार दिन हो गए शोहर अभी तक नहा रहा है। किसी को भी अगर मुझसे कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल ना बताए, क्योंकि मेरे अपने ही मसले बहुत हैं। तुम्हारी प्रोफाइल पर लव रिएक्ट करना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। खोते पर भी बैठने के काबिल ना थे, हमने जिन्हें सर पर बिठा रखा था। एक पठान को मोबाइल पर कोई तंग करता था, पठान ने नई सिम खरीद कर इसके नंबर पे मैसेज किया, मैंने वो नंबर बंद कर दिया, अब तुम्हारा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। तुमने नशा कर रखा है? मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिया, नहीं तो अम्मी सच बताओ। मैंने मान लिया, हाँ जी अम्मी पी रखी है। मगर अम्मी आपको कैसे पता चला? अम्मी क्योंकि मैं तुम्हारी अम्मी नहीं तुम्हारा बाप हूँ। तबीस इंसान। उस्ताद क्लास में लड़कों को बता रहा था कि अगर इंसान मेहनत करे तो जो चाहे बन सकता है। एक लड़का बोला, सर मेरे अब्बू कहते हैं कि तुम वो नहीं बन सकते जो तुम बनना चाहते हो। उस्ताद तुम क्या बनना चाहते हो? लड़का बोला, सर मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फकीर ने खातून को कहा, दा के लिए मुझे 5 रुपए दे दो, वरना मुझे एक बहुत खौफनाक काम करना पड़ेगा जिसके ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सारी रूह पर कपकपी तारी हो जाती है। खातून ने खौफजदा होकर फकीर को 5 रुपए दे दिए और डरते हुए पूछा, बाबा जी आप बताएं कौन सा खौफनाक काम? फकीर बड़े इत्मीनान से बोला, मेहनत मजदूरी वाला काम। किसी बहरी जहाज में कई अफराद सफर कर रहे थे, अचानक एक बच्चा समुन्द्र में गिर गया। जहाज में हलचल मच गई। थोड़ी देर बाद एक नौजवान बच्चे को गोद में उठाए समुन्द्र से निकल आया। सब लोगों ने इसकी तारीफ की। नौजवान बोला, वो तो सब ठीक है मगर ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? चोर एक डॉक्टर के मकान में घुसा
तो तिजोरी के साथ दीवार पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था तिजोरी तोड़ने की जरूरत नहीं, ये खुली है। चोर ने जो ही तिजोरी का हैंडल घुमाया तो सायरन बजने लगा और वो पकड़ा गया। जब इसे पुलिस ले जा रही थी तो इसने डॉक्टर से कहा, इंसानी शराफत से अब मेरा एतबार ही उठ गया। केमिस्ट्री के प्रोफेसर अपनी बेगम से नाराज हो गए तो बेगम रोने लगी। प्रोफेसर बोले, मुझ पर तुम्हारे रोने का कोई असर नहीं होगा, ये आंसू क्या चीज, किसी कदर फास्फोरस सॉल्ट, जरा सा सोडियम फ्लोराइड और बाकी पानी। एक सेठ ने होटल से रुखसत होते हुए बहरे को 5 रुपए टिप दे दी और कहा, मेरी सेहत के लिए दुआ करना। बहरे ने फौरन जवाब दिया, जनाब पिछली दफा तो आपने 10 रुपए दिए थे। सेठ बोला, हाँ मुझे याद है, लेकिन अब मेरी सेहत पहले से बहुत बेहतर है। उस्ताद शागिर्द से, सब बच्चों ने दूध पर 2 सफ़ों का मज़मून लिखा है और तुमने सिर्फ 2 लाइनों का, क्यों? शागिर्द, सर वो मैंने खालिस दूध पर मज़मून लिखा है। एक दोस्त, अगर किसी बेवकूफ को मसरूफ रखना हो तो क्या किया जाए? दूसरा दोस्त, इसको एक गोल से कमरे में ले जाकर कोने में बैठने के लिए कह दो। एक जगह 7 मलंग चटाइयों पर लेटे थे, एक आदमी आया और सबसे बड़े को कहने लगा, बाबा जी मेरी बीवी बहुत लड़ाका है, कोई हल बताएं। इस मलंग ने सबसे छोटे मलंग को आवाज़ दी, छोटू एक चटाई और बिछा दे। प्रिंसिपल, लेट क्यों आए हो? तुम्हारे सब दोस्त तो वक्त पर आते हैं। पप्पू, ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं सर, शेर तो अकेला ही आता है। प्रिंसिपल, चल मेरा शेर पुत्र, अब कुक्कड़ बन जा। शीदा ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, थल्ले आके वेखला चवला, एडा तू नवाब, सरकारी नलके वर्गा तेरा नक के, डड्डू चार्जर वर्गा तेरा मुंह है, सर ते इंज पग बनी है जिवें जुआ नू दम दिता होवे। शीदा, ओ अच्छा फैसलाबाद आ गया। टीचर, तुम्हारे अब्बू क्या काम करते हैं? पप्पू, KFC के मालिक हैं। टीचर, अच्छी बात है, लेकिन KFC का क्या मतलब है? पप्पू, काका फ्रूट चाट। तहकीक से साबित हुआ है कि जो लड़कियां कॉलेज में सिगरेट पीने वाले लड़के से नफरत करती हैं, इनकी शादी चर्स पीने वाले कज़न से होती है। गाहक, शेख के बेटे से, तुम्हारी मिठाई की दुकान है, तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? शेख बच्चा, अंकल दिल तो बहुत करता है, मगर अब्बू रसगुल्ले गिन कर जाते हैं, इसलिए चूस चूस कर रख देता हूँ। गाहक, मैं अभी टूटे पैसे लेकर आता हूँ। शेख की बीवी, बस भी करो, ये टी बैग्स आप 10 दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इनको फेंक भी दो। शेख, कर दी ना जाहिलों वाली बात, इसके पैकेट पर एक्सपायरी डेट 2020 लिखी हुई है। गर्ल, क्या कर रहे हो? बॉय, सांस ले रहा हूँ। गर्ल, तुमने मुझे नहीं बताया सांस का, जाओ मैं नहीं बोलती तुमसे। दो पागल काफी देर से एक खंभे के पास खड़े इसकी तरफ ऊपर देख रहे थे, इतने में एक लोहार इनके पास आया और बोला, तुम खंभे के ऊपर क्या देख रहे हो? एक पागल, हम खंभे को नापना चाहते हैं, मगर हमारे पास सीढ़ी नहीं है, सोच रहे हैं कैसे पेमाइश करें। लोहार ने अपने थैले से औजार निकाला, खंभे के बोल्ट खोले, खंभे को ज़मीन पर लिटा कर इसे नापा और पेमाइश लिख कर दोनों पागलों के हवाले कर दी और चल दिया। लोहार के जाने के बाद एक पागल बोला, पागल का बच्चा, हमने इससे ऊंचाई नापने को कहा और वो लंबाई नाप कर चलता बना। फकीर एक घर के बाहर आवाज़ लगा रहा था, बाबे को रोटी खिला दो, बाबा चावल भी खा लेता है, बाबा आइसक्रीम और बोतल भी पी लेता है। अंदर से एक मोटी लड़की बोली, बाबा जूते भी खा लेता है। फकीर मासूमियत से, नहीं बेटा, बाबे को सख्त गजा मना है। जज, तुमने जुर्म बड़ी होशियारी और सफाई से किया। मुलजिम,
شکریہ جناب، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے ہنر کی تعریف کی ہے۔ ایک لڑکی طوطا خریدنے بازار گئی اور ایک بولنے والا طوطا پسند آیا۔ لڑکی طوطے سے، کیسی لگ رہی ہوں؟ طوطا، بہت آوارہ سی لگ رہی ہو۔ لڑکی کو غصہ آیا، اپنی گاہکی خراب ہوتے دیکھ کر دکاندار کو بھی غصہ آیا۔ طوطے کو پانی میں غوطہ دیا اور کہا، اب اگر تم نے غلط بات کی تو میں پانی میں ڈبو دوں گا۔ طوطے نے ٹھیک بات کرنے کا وعدہ کر لیا۔ لڑکی پھر بولی، اچھا یہ بتاؤ، گھر میں اگر ایک میں ہوں اور ایک آدمی ہو تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ طوطا، تمہارا شوہر۔ لڑکی، اور اگر میرے ساتھ دو آدمی ہوں تو وہ دوسرا کون ہوگا؟ طوطا، تمہارے شوہر کا بھائی، یعنی تمہارا دیور۔ لڑکی، اور اگر تین آدمی ہوں تو؟ طوطا، تمہارا شوہر، دیور اور تمہارا سسر۔ لڑکی، اور اگر چار آدمی ہوں تو؟ طوطا مالک سے، پانی لاؤ، میں نے کہا تھا لڑکی آوارہ ہے۔